हाय हेलो फ्रेंड, आज हम आपको मटर पनीर बनाना बताएंगे, जो बिना टमाटर के बताएंगे। आजकल टमाटर महंगे आ रहे हैं, तो हम आप बिना टमाटर का ही बताएंगे। और इसके लिए हमने दो बड़ी कटी हुई प्याज रफली कट करके ले लिया है, और एक छोटी इलायची, तीन लौंग, एक बड़ी इलायची ले लिया है, और कुछ जो है काजू और ये खरबूजे के बीज लिया है। उसके बाद हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करेंगे, उसमें लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सभी चीज़ें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम इसमें काजू और वो बीज भी डाल देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम जलाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाएंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया करिए, और बिना स्किप किए देखा करिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एक कप। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। हमारी काजू और वो जो सीड्स हैं वो सभी सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक बटर डालेंगे और बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम पनीर फ्राई करेंगे। पनीर को हम बटर में ही फ्राई करेंगे, तभी ये अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से हम पनीर को बटर में फ्राई कर लेंगे, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तब तक हम जो है हमारी पनीर हो रही है, उसमें हम 2 टेबल स्पून दही लिए हैं, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सभी चीज़ें डाल के हम अच्छे से फेंट लेंगे इस मसाले को। अच्छे से फेंटने से दही हमारी फटती नहीं है, और ये तब तक हमारी पनीर भी देख सकते हैं इतनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये भी हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इसको। उसके बाद हम इसको छान लेंगे। अगर हमारी सीड्स की कुछ पत्तियाँ वगैरह रह गई हों तो उसको भी इसमें छन जाएगी, इसको अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हम उसी पैन में जिसमें बटर फ्राई किए थे, उसी पैन में हम हींग डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद प्याज ब्राउन होने के बाद वो सारे मसाले जो हमने दही में मेल्ट किए थे उसको डाल देंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून जाए, उसके बाद हमने ये जो पेस्ट काजू का तैयार किया था उसको डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी देर तक हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें घोल लेंगे। थोड़ी सी चीनी डालेंगे 1/2 टीस्पून, और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे। उसके बाद इसको ढक कर थोड़ी देर पकाएंगे। हमारी ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे, 1 कप। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पानी पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम पनीर डाल देंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से पकी हुई है, तो हम इसमें जो है पनीर को थोड़ी देर, सिर्फ 10 मिनट में हमारी पनीर अब पक चुकी है, देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती है और इजी बनती है। और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ, इसको बना के ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा।